जब हमारी कभी शादी नहीं हुई थी तो दूसरों के बच्चे जब शरारतें करते थे, हम कहते थे हमारा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता, हमारा बच्चा ऐसा करेगा तो हम उसको मारेंगे, हम तो उसकी बेहतरीन तरबियत करेंगे, फलां फलां फलां। लेकिन अब हम कुछ नहीं कर सकते, देखेंगे क्या कर रहे हैं, हम इसको डांटते हैं तो ये रोने लग जाता है। कहाँ जा रहे हो जहाँजेब? मैं इतना तैयार होके मीटिंग में या डेट पे? इतना खुश होके जा रही हो मीटिंग पे? इतना खुश होके तो कोई नहीं जाता है मीटिंग पे। सवाल दिया। क्या सवाल किया डॉक्टर महविश ने? बोला आदत किया आपने? क्या बोला? सलाम कर किया मैंने, बोला वालेकुम सलाम, ऑल वर्ल्ड हैज दे, बोला आदत या जरूरत? बोला जरूरत। मैंने बोला जरूरत। आदत बहुत मुश्किल होती है। मोहब्बत, मैंने बोला ना प्यार ना मोहब्बत, इश्क। मेरे पीछे तुम ये सब कर रहे हो ना? जहाँजेब कह रहे थे कि हमने मुझे हैंड फ्री देते हैं और मुझे डॉक्टर महविश के बारे में बता रहे हैं। डॉक्टर महविश कौन है? एक्चुअली इनके साथ एम्प्लॉय है, इनके साथ काम करती है, एक दूसरे के साथ ये दोनों काम करते हैं। तो ये डॉक्टर महविश के नाम से मुझे चिढ़ाते रहते हैं, कहते हैं आज डॉक्टर महविश ने ये कहा, आज डॉक्टर महविश ने ये कहा, लेकिन मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता और ना मैं चिढ़ती हूँ। आपको आदत हो जाती है काफ़ी सारी चीज़ों की और उनको ट्रैकल करना भी आ जाता है, तो कुछ चीज़ आपको मुश्किल नहीं लगती, पेशेंस आ जाते हैं लाइफ में। तो इसी तरह मैं इनको सी ऑफ करने आई थी, इनकी आज मीटिंग थी, तो हॉपली कि अच्छी सी मीटिंग हो जाए, तो मैं सी ऑफ कर रही थी। लास्ट तक मुझे डॉक्टर महविश का नाम लेते ही कहते रहे। खैर ये तायाबू भी जा रहे थे, दोनों एक दूसरे के साथ जा रहे थे। उस्मान को देखें कैसे मस्ती कर रहे हैं। उस्मान, ये मुनीजा भी आ गई। मुनीजा को पता है क्या मसला है? इसको मेरी आवाज़ सुनती है या मेरी चप्पल की आवाज़ सुनती है, ये दुनिया में जहाँ भी होगी आ जाएगी। और जब मुझे खाना देना होगा इसको कि मैं फारिग बैठी हूँ, चलो मैं खाना दिखाती हूँ, तो ये मुझे नज़र नहीं आती है। आज सुबह से मैं इसको फाइंड आउट कर रही हूँ, यार मुईज़ा कहाँ गई, रात का खाना खाया हुआ इन्होंने, लेकिन अभी तक मुझे ये बच्ची नज़र नहीं आई है। सूफिया तो अब बहुत कम आती है। सूफिया को शायद दूसरा कोई घर मिल गया या फिर कोई अच्छी जगह मिल गई है, वहाँ चली गई है। ये हैंड फ्री लगा रहे हैं, मैं इनको डांट रही थी कि हैंड फ्री लगा के मत जाएं, आपका फोकस वहीं होगा, ड्राइविंग पे नहीं होगा। और ये देखें मुईज़ा को, ये जहाँजेब मुझे देखती आ जाती है। और ये देखिए मैं बना रही थी भाई के लिए नाश्ता, अम्मी सो रही थी और एक पराठा मैंने बना दिया, एक पराठा मैं बना रही थी। लेकिन ये देखिए इनके हालात, इनके काम चेक करें, ये क्या करें। मैंने इनको चम्मच में लगा दिया और मैं जल्दी से भाई के लिए पराठा बनाने लगी। हाँ, ये इस तरह से खेलते रहे। यहाँ ऑमलेट बन रहा है, ऑमलेट देखें कितने मज़े का बना, ये 3 अंडों का ऑमलेट है। और देखें इतना सा भी ये नहीं टूटा और बिल्कुल एग्जैक्टली मैंने 3 अंडों का बनाया। ये ऑमलेट रेडी हो गया है, मैं भाई को देखकर आती हूँ जल्दी से ना। अम्मी भी उठ गई थी तो अम्मी ने कहा कि मुझे भी एक रोटी बना दो, तो मैं अम्मी के लिए रोटी बनाने लगी थी। और ये साग रखा हुआ था, बहुत मज़े का था ये साग, मैंने भी खाया था। उसके बाद ये देखिए मोहम्मद कैसे चलने की कोशिश कर रहा था, मैं शूट कर रही थी एकदम गिर गया, उसने 2-3 स्टेप बढ़ाए थे। अल्लाह करे आसानी हो जाए सबको। नाश्ता खाने के बाद मुझे भी भूख लगने लगी, लेकिन आटा ख़त्म हो गया था, फिर मैंने भाई से बर्गर मंगवा लिया था अपने लिए। बच्चों को ट्यूशन में पढ़ा रही थी और ये पढ़ाने नहीं दे रहे थे। फिर मैंने जो अपना मकत जिसमें मैंने अपनी सारी पेंसिल्स वगैरह रखी हुई थी वो मैंने मोहम्मद को दे दी। मैंने बोला आप इसके साथ खेलो, ये खेलते रहे इसके साथ। और फिर मैंने इजीली बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दिया था। लेकिन ये बहुत शरारती हैं, ये मुजम्मिल को तो बहुत तंग करते हैं, लेकिन मैं मुजम्मिल से बहुत दूर रखती हूँ। पता नहीं लड़कों को लड़कों से कुछ होती है, ये मुजम्मिल के साथ ही कहता है कि मैं इसके साथ खेलूँ। मुजम्मिल पढ़ रहा होता है तो ये कहता है मैं पढ़ूँ, तो इसकी हरकतें चेक करें आप, मुँह पे कप लगा के ये पहले इस तरह से कर रहा था, आवाज़ें निकाल रहा था ना। मैंने ट्राई किया, मैंने मोहम्मद करो मैं शूट करती हूँ, लेकिन मोहम्मद ने नहीं किया।
और ये वाली आती है, फिर मैं और जहाँजेब रात में गए और हमने रात में बाहर से खाना खाया। मेरा दिल था कि मैं खाना खाने का, मेरा दिल नहीं था बाहर से खाने का, लेकिन मेरा था कि हम बाहर जाएं। हम काफ़ी दिनों के थे जहाँजेब मुझे बाइक पे जाके राउंड लगाते रहते हैं। जहाँजेब ने कहा मुझे भूख लगी है, मैंने ये खाना है। मैंने बोला चले आपको भूख लगी तो मैं भी खा लेती हूँ, मैं क्यों पीछे हटूँ जब आपने खाना है। तो इस तरह हमने बाहर का खाना खाया था रात में। ये मुझे एवेन्यू नहीं पता कि कोई एग्जैक्टली मुझे जगह नहीं पता कि हम कहाँ आए थे कहाँ नहीं आए थे, लेकिन हमें ये पता है हम कटाकट खाने आए थे। और यहाँ पे ये रोटी आ गई थी और कटाकट इनका रायता बहुत मज़े का था। मैंने ज़्यादातर रायते से खाया क्योंकि मेरे दांत का इश्यू, मेरे दांत में दर्द होता है तो मैं गोश्त कम खाती हूँ, लेकिन ये बहुत मज़े का होता है कटाकट। फिर हम सूप की शॉप पे गए ना मोहम्मद के लिए सूप लेने, कि मोहम्मद को भी कुछ लेके जाए। मोहम्मद घर में होते हैं अक्सर, जहाँजेब लेके नहीं जाते सर्दी की वजह से। मैं कहती हूँ जहाँजेब लेके जाया करें, लेकिन कहते हैं थोड़ा सा बड़ा हो जाए फिर लेके जाएंगे। तो अम्मी अम्मी और बाजी के पास होते हैं मोहम्मद। फिर हम इनके लिए सूप लेने आए थे, हमने यहाँ से इनके लिए सूप लिया। और ये स्टॉल देखें कितना सा, और लोग देखें आप, इतने लोग आते हैं यहाँ पे। और बस मैं यहीं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप लाइक करेंगे तो रेंज जो है वीडियो की बढ़ जाएगी, ज़्यादातर लोगों को मिलना शुरू हो जाएगी। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें। अगर कोई कमेंट भी करना हो तो मेरे नंबर पे नहीं, मेरे कमेंट बॉक्स में ही कमेंट किया करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।